तो अभी हम अदर प्राइमरी हेडेक्स कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हमने चैप्टर कर रहे थे माइग्रेन एंड अदर प्राइमरी डिसऑर्डर्स, एंड हमने माइग्रेन कवर कर लिया है, क्लस्टर हेडेक कवर कर लिया है, SUNA कवर कर लिया है, पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया एंड हेमिक्रेनिया कॉन्टिनिटा बोथ आर कवर्ड। एंड अब हम अदर प्राइमरी हेड डिसऑर्डर्स में जा रहे हैं जिसमें 9 टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं 9 टाइप्स के डिसऑर्डर्स। तो ये देखो, पहला है प्राइमरी कफ हेडेक, कि कफ की वजह से हेडेक हो रहा है। दूसरा है प्राइमरी एक्सरसाइज हेडेक। फिर है प्राइमरी हेडेक एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटी। फिर है प्राइमरी थंडर क्लैप हेडेक, कोल्ड स्टिमुलस हेडेक, एक्सटर्नल प्रेशर हेडेक, प्राइमरी स्टेबिंग हेडेक, न्यूमिलर हेडेक, हिपनिक हेडेक एंड न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक। एंड दीज 9 हेडेक्स वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल एंड देन वी आर डन विद दिस टॉपिक। सो लेट्स कंप्लीट वेरी स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स टुगेदर। फर्स्ट इज़ प्राइमरी कफ हेडेक। प्राइमरी कफ हेडेक क्या होता है? प्राइमरी कफ हेडेक एक जनरलाइज्ड हेडेक है दैट बिगिंस सडनली, ओके, एंड लास्ट फॉर सेकेंड्स और टू सेवरल मिनट्स, कई बार एक घंटे तक रहता है। कब बढ़ता है? जब कोई ज़्यादा कफ करता है। एक होता है कफ, एक होता है स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक मारना, कफ होता है खांसी करना, ओके। तो कफ को प्रिवेंट करो तो ये सिर दर्द से बच जाते हैं। फिर आता है कि भाई और भी दूसरे प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स होते हैं, दैट इज स्नीजिंग, स्ट्रेनिंग, लाफिंग, स्टूपिंग, ठीक है। अ कैरी मालफॉर्मेशन और एनी लेजन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF पाथवेज और डिस्प्लेसिंग सेरेब्रल स्ट्रक्चर्स कैन कॉज हेड पेन। तो एक अगर आपके CSF पाथवे में, CSF पाथवे कहाँ से शुरू होता है? लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, एक्विडक्ट ऑफ सलाइवा से, ये पूरा वेंट्रिकल का सिस्टम CSF पाथवे को मेंटेन करके रखता है। अगर वहाँ पे कहीं पे भी लीजन हुआ या कोई भी सेरेब्रल स्ट्रक्चर में लीजन हुआ तो सिर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ए का मतलब होता है एब्सेंट, न्यूरिज्म का मतलब की एब्सेंस। कैरेटिड स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग हो जाती है वेसल की, एंड वर्टिब्रो बैसिलर डिजीज। ट्रीटमेंट क्या होगा? एंडोमेथिसिन 25 to 50 mg 2 to 3 times a day, ठीक है, एंड कंप्लीट सीजेशन ऑफ देयर अटैक्स विद लंबर पंचर, ओके। तो आप कितना सिंपल है कफ का हेडेक, ये कफ रोक लो तो रुक जाता है। ट्रीटमेंट क्या देना है? एंडोमेथिसिन देना है। क्या गड़बड़ होती है? CSF पाथवे में गड़बड़ हो जाती है तो ये हेडेक हो जाता है। फिर आता है प्राइमरी एक्सरसाइज हेडेक। प्राइमरी एक्सरसाइज हेडेक जो होता है वो रिसेंबल करता है कफ हेडेक को भी और माइग्रेन को भी। कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो रही हो तो ये हेडेक हो जाता है। पेन 2 दिन तक रहता है, बायलेटरल रहता है, थ्रॉम्बिंग होता है, माइग्रेनस फीचर्स भी आ सकते हैं, एंड ड्यूरेशन इज शॉर्टर इन एडोलसेंट्स, मतलब कम टाइम में होता है, कम टाइम होता है इन एडोलसेंट्स, और थोड़े लंबे टाइम तक रहता है इन ओल्डर एडल्ट्स। प्राइमरी एक्सरसाइज हेडेक कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग एक्सेसिव एक्सर्शन, मतलब ज़्यादा थकान ना हो। जैसे कई बार लोग मजदूर हैं वो पूरा दिन लगे रहते हैं, या घर में जो मदर्स हैं वो पूरा दिन वर्क करती रहती है, एक्सर्शन हो जाती है, थक जाते हैं, तो उस वजह से ये पेन बढ़ जाता है। एंड पर्टिकुलरली कहाँ बढ़ता है? इन हॉट वेदर या फिर हाई अल्टीट्यूड पर। हॉट वेदर कहाँ पर होगा? डिपेंडिंग अपॉन रीजन्स एंड हॉट वेदर, और कहाँ पर हो सकता है? फैक्ट्रीज़ में, कई बार जो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री होती है। फिर द एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक विद स्ट्रेनिंग और ब्रेथ होल्डिंग एज इन वेट लिफ्टर हेडेक, ठीक है, कई बार वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सिर दर्द हो जाता है। पेन फ्रॉम एंजाइना मे बी रेफर टू द हेड, प्रोबेबली बाय द सेंट्रल कनेक्शन ऑफ वेगल एफेरेंस, मे प्रेजेंट एज एक्सरसाइज हेडेक, कार्डियक सिफाल्जिया। द लिंक टू एक्सरसाइज इज द मेन क्लिनिकल क्लू दैट हेडेक इज ऑफ कार्डियक ओरिजिन। फ्यूसाइटोक्रोमा को भी आपको देखना है, चेक करना है तो नहीं, तो मे ओकेजनली कॉज हेडेक, तो कार्डियक ओरिजिन का भी हो सकता है ये हेडेक, ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन वेगल एफेरेंस के साथ है, 10th क्रेनियल नर्व। ट्रीटमेंट क्या दोगे? एंडोमेथिसिन, ठीक है, या फिर आप क्या दे सकते हो? डाई एरगोडो एरगेटोइन या फिर एरगेटोमिन दे सकते हो नेजल स्प्रे के फॉर्म में।
एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। तो पहले वाली जो था कफ वाला हेडेक, उसका भी ट्रीटमेंट एंडोमेथिसिन था। एक्सरसाइज वाले हेडेक का भी ट्रीटमेंट क्या है, एंडोमेथिसिन ही है। अब तीसरा है दैट इज़ प्राइमरी हेडेक एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटीज। उन्होंने बोला थ्री टाइप्स ऑफ सेक्स हेडेक्स आर रिपोर्टेड। एक है डल बायलेटरल हेडेक, ठीक है। एक है नेक इंटेंसिफाइज एज द सेक्सुअल एक्साइटमेंट इंक्रीजेज। अ सडन सीवियर एक्सप्लोसिव हेडेक अकरिंग एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड अ पोस्टुरल हेडेक डेवलपिंग आफ्टर कोइटस। तो इसमें उन्होंने क्या रीज़न दिया कि सी एस एफ प्रेशर लो हो जाता है तो सिर में दर्द हो जाता है, मेन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। अगर पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी को स्टॉप कर दे तो हेड एक नोटिस हो जाएगा कि पेन रुक जाएगा विद इन टू आवर्स। इन हाफ ऑफ द पेशेंट ये 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि माइग्रेन जो है वो बहुत कॉमन होता है इन पेशेंट्स विद सेक्स हेडेक। तो उन पेशेंट्स के लिए ऐसा है कि आप प्रोपेनोल खाओ टू प्रिवेंट द हेडेक। एंड ऑल्टरनेटिव है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिलजिल्टी पाम लो 3 times a day। या फिर एंडोमेथिसिन भी ले सकते हो प्रायर टू द सेक्सुअल एक्टिविटी विच कैन बी हेल्पफुल। या फिर प्रोवाट्रिप्टिन। तो इसका भी कफ हेडेक का भी क्या था ट्रीटमेंट, एंडोमेथिसिन। एक्सरसाइज हेडेक का भी क्या ट्रीटमेंट था, एंडोमेथिसिन। एंड प्राइमरी हेडेक विद सेक्सुअल एक्टिविटी का ट्रीटमेंट भी क्या, एंडोमेथिसिन। थोड़ा कॉमन होता है ना, इजी होता है रिमेंबर करना। बट मेनली आपको प्राइमरी सेक्स हेडेक के लिए क्या देना है, प्रोपेनोल ही देना है टू प्रिवेंट हेडेक इफ इट रीअकर्स रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली। ओके, नाउ वी कम टू फोर्थ हेडेक। वी आर नियर टू 9 हेडेक्स, बिकॉज 9 है ना, हम फोर्थ में हैं इस वक्त। प्राइमरी थंडर क्लैप हेडेक क्या होता है, एकदम सिवियर और एकदम सडन ऑनसेट होता है हेडेक का, एब्सेंस ऑफ एनी नोन सिचुएशंस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या रहता है, सेंटिनल ब्लीड ऑफ इंटरक्रेनियल एनियरिज्म, सर्वाइकोसिफेलिक एट्रियल डाइसेक्शन, सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस। हेडेक्स ऑफ एक्सप्लोसिव ऑनसेट मे ऑल्सो बी कॉज्ड बाय, कैसे क्यों होता है ऐसा सर दर्द, थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप मतलब कि एकदम सिवियर अचानक सिर में दर्द हुआ, क्यों होता है, क्योंकि कई बार ड्रग्स ली होती हैं, मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ सिम्पैथोमायमेटिक ड्रग्स और ऑफ टायरामीन कंटेनिंग फ्यूड्स इन पेशेंट्स हु इज टेकिंग MAOIs और MAOI इनहिबिटर्स और दे मे बी सिम्टम ऑफ फियोसाइटोक्रोमा। MAOI इनहिबिटर्स मेनली पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स लेते हैं। व्हेन न्यूरो इमेजिंग पेशेंट्स एंड लंबर पंचर एक्सक्लूड, आपने सीटी स्कैन कराया, भाई सिर में दर्द हो रहा है, अचानक होता है, इतने ज़्यादा होता है, तो आप टेस्ट तो कराते हो ना, सीटी स्कैन या फिर लंबर पंचर, तो उसमें सब आर्गनॉइड हेमरेज नहीं आ रहा। तो उसके बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन होती है सडन सीवियर हेडेक, सीटी एमआरआई सीएसएफ एग्जामिनेशन करा लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ द पोस्टीरियर ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड सेरेब्रल एंजाइटिस, ड्रग टॉक्सिसिटी, साइक्लोस्पोरिन, मिथोट्रेक्सेट, कोकेन, ठीक है, या फिर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इफेक्ट्स, या फिर पोस्ट पार्टम एंजियोपैथी। तो इस टाइम पर ट्रीटमेंट देना चाहिए निपोडीपीन के साथ, विच इज़ हेल्पफुल, ऑल्दो द वैसो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी थंडर क्लैप हेडेक रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। तो जो आगे के 5 हेडेक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज अभी बार शोर हो सकता है। ओके, थैंक यू।